स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के आगमन पर दिल्ली पटेल नगर में जनता का उमड़ा जनसैलाब। स्वतंत्र प्रभात संवाददाता प्रदीप यादव की रिपोर्ट। दिल्ली पटेल नगर अंडरपास न होने से 546 मौतों का जिम्मेदार कौन? जल के लिए दिल्ली की जनता परेशान। स्वराज इंडिया पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष एसके चौबे के नेतृत्व में पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के आगमन पर दिल्ली पटेल नगर में जनता का भारी जनसैलाब आज देखने को मिला है। मीडिया से वार्तालाप करते हुए योगेंद्र यादव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि दिल्ली में सत्ताधारी नेताओं को पटेल नगर में उन्हें शर्म आनी चाहिए। जनता कीचड़ भरी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है। नाली सिबर उफल चलती रहती है। जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि योगेंद्र यादव ने कहा है कि मकान बनाने वाले भी परेशान हैं, उनसे पैसे वसूले जाते हैं। उधर आम आदमी पार्टी को भी घेरा गया है और कहा है कि दिल्ली सरकार चुनावी वादे के अनुसार जनता को नल से जल देने का वादा किया था, लेकिन माताएं और बहनें सड़क पर खड़ी होकर टैंकर से पानी भरती रहती हैं। इसी बात को दोहराते हुए कहा कि जनता को इस बात का सवाल सरकार से करना चाहिए। जनता को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि जनता जब तक सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मीडिया से वार्तालाप में कहा कि स्वराज इंडिया का सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में तन मन से कार्य कर रहे हैं। कि जो नगर निगम का चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, ये कोई राष्ट्रीय नहीं, राज्य नहीं। इससे ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ना कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, ना बदलेगा। इससे सड़कें बदलेंगी, सीवर बदलेगा, स्थानीय चीज़ों का चुनाव है। और इस इलाके में हमारी टीम व्यवस्थित रूप से लगातार काम करती रही है और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता ने अपनी आँखों से देखा है कि हमने क्या काम किया है और उन मुद्दों को उठाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि जब जनता जागरूक होगी, जब जनता अपने इलाके के मुद्दे खुद उठाएगी तो, और जनता सवाल पूछेगी। हमारे साथियों ने यहाँ जो पर्चा रिलीज़ किया है उन्होंने सवाल पूछे हैं, सवाल पूछे हैं बीजेपी से जो कि 15 साल से इस काउंसिल पे बैठी हुई है, सवाल पूछे हैं आम आदमी पार्टी से जो 7-8 साल से अब दिल्ली के विधानसभा पे काबिज हैं। या तो वो जवाब दें, अगर वो जवाब देते हैं बहुत अच्छी बात है, जवाब नहीं देते तो फिर जनता तो पूछेगी और जनता विकल्प की तलाश करेगी। सर, शुरुआती दौर की बात करें, सन 2015 में स्वराज इंडिया पार्टी का निर्माण हुआ, अगर उस दौरान की बात किया जाए तो आप जनता के समक्ष क्या लाना चाहेंगे? तब से अब तक, 2016 में स्वराज इंडिया बनी थी, तब से अब तक हम लगातार जो जनता के मुद्दे हैं इस इलाके में, जैसे अंडरपास का मुद्दा है, अब तक 546 लोग मर चुके हैं। सिंपल एक रेलवे का अंडरपास नहीं है, लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाते हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं, हर 2-5 दिन के अंदर एक मौत की शिकायत आ जाती है। अब बताइए ये सवाल सालों साल क्यों अटका हुआ है? हमारी टीम इस सवाल को बार बार उठाती रही है और आज भी वो अंडरपास नहीं बना है। जो बीजेपी जो कि एमसीडी में बैठी है, अगर एमसीडी इस सवाल को नियमित रूप से उठाती, केंद्र सरकार कुछ करती? केंद्र सरकार तो उन्हीं की है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और कुछ नहीं। विधानसभा में इसे उठा तो सकती थी, मुख्यमंत्री इस सवाल पे कुछ कर सकते थे, मुख्यमंत्री जगह जगह पे धरना देते रहते हैं, यहाँ पे भी आके एक बार धरना दे देते, लेकिन वैसा तो कुछ किया नहीं ना। तो हमारा काम है सवालों को उठाना, उन मुद्दों को उठाना जो कि सही मुद्दे हों, जब वो उठाएंगे तब कुछ होगा। सर, आने वाले निगम चुनाव का वो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो स्वराज इंडिया पार्टी को जनता जनार्दन और प्रदेश की सारी जनता लाइक करेगी? हम फिजूल के हवाई उद्दे उठाते नहीं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अब जिन्ना चल रहा है, अरे गन्ना पे बात करो ना, काहे को जिन्ना पे बात करते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो एमसीडी का चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाए। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? सड़क का, पानी का, बिजली का, स्थानीय मुद्दे हैं सीवर का, जल भराव का, यहाँ का जल भराव का, यहाँ पे अंडर पास वाला, और एक सवाल जो लगातार आ रहा है, नशे का सवाल। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई ये कह के आई थी कि हम नशा रुकवाएंगे, और नशा रोकने की बजाय ठेकों की संख्या बढ़ा दी, और अब तो दिल्ली के अंदर एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही है। अब कितने घर टूट रहे हैं, ये जो पाप की कमाई है उससे कुछ नहीं बन सकता, और जो पाप की कमाई ले के अगर सत्ता ले भी लेते हैं ये लोग, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं।
लास्ट सवाल, आपके कार्यकर्ता बहुत संघर्षशील तरीके से काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं ये आपके कार्य बहुत सीनियर कार्यकर्ता एसके चौबे जी का गृह वार्ड है और यहाँ पे बहुत भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भी निवास करते हैं, इसके समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे और जनता को और समस्त कार्यकर्ताओं को आज दिल्ली प्रदेश में क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल्ली के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता अगर यहाँ पे निवास करते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी स्थिति है, यहाँ पे पानी लोगों को साफ नहीं मिल रहा है, जल भराव की समस्या है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं हैं और एक छोटे से अंडरपास के लिए लोग परेशान हैं। बीजेपी वालों को तो शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता किस मुँह से आके वो लोगों से दोबारा वोट मांगेंगे। चुनौती तो उनके लिए, चुनौती तो हमारे लिए नहीं है। हमारी टीम तो लगातार काम करती रही है, लगातार ग्राउंड पे रही है। चुनौती तो उनके लिए जो कि 15 साल से कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि वो जो उनके सामने जो चुनौती है उसका मुकाबला करेंगे। इत्तेफाक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार MCD में पिछले 15 से 20 वर्षों हो गए हैं, दिल्ली प्रदेश में है। अगर जनता आपको एक बारी मौका देती है तो दिल्ली पटेल नगर जैसे दिल्ली प्रदेश में ऐसे क्या स्वराज इंडिया करेगी जो जनता खुश होगी? मैंने आपको कहा कि MCD का चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है और बिल्कुल जो साधारण सवाल है, सीवर का है, पानी की निकासी का है, शुद्ध जल का सवाल है, लोगों को परेशान ना किया जाए। MCD वाले जिस तरह से आके, लोगों का MCD से एक ही रिश्ता है। रेडी वाला सोचता है MCD आई मतलब मेरे रेडी लेके चले जाएंगे, मेरे पे हमला कर रहे हैं, और जो घर बना रहा होता है MCD सुनता है तो उसको लगता है कि अब आया मेरे ऊपर छापा पड़ा, मेरे ऊपर रिश्वत का वो हुआ। MCD का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि MCD आई, लोगों का मन खुश होना चाहिए कि MCD के आए, मेरी कुछ मदद करने आए होंगे। आज MCD का मतलब सिर्फ लूट खसोट हो गया है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस लूट खसोट के ऊपर सवाल उठाएंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे। ये थे स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव जी। किस प्रकार आज पटेल नगर में आगमन के बाद में ये जन सभा का जो जन सैलाब उमड़ा है यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे जन सभा का जो ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि ये दिल्ली पटेल नगर व्यस्त पटेल नगर ये सेंट्रल दिल्ली में आता है, ये नेहरू नगर बलजीत नगर का इलाका है, यहाँ पर आज स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव जी का आगमन हुआ।